Hello friends, welcome to another practice question of quadratic equations. This is the 43rd question in the series. I will strongly urge you to go back and watch the previous 42 as well. The link to the entire playlist is down there in the description for your reference. This question was asked in the CBSE examinations of 2006. अब ध्यान दीजिएगा कि हम पुराने सालों में पूछे गए सारे क्वेश्चंस और एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक के सारे क्वेश्चंस को अपने चैनल पर सॉल्व करते हैं। इसे प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए ताकि उनका भी भला हो। लेट्स स्टार्ट सॉल्विंग दिस वन। नाउ द क्वेश्चन सेज अ ट्रेन कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 90 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड। हैड द स्पीड बीन 15 किलोमीटर पर आर मोर, इट वुड हैव टेकन 30 मिनट्स लेस फॉर द जर्नी। फाइंड द ओरिजिनल स्पीड ऑफ द ट्रेन। ओके, ओरिजिनल स्पीड ऑफ द ट्रेन। तो पहले तो एक चीज का ध्यान रख लीजिएगा कि स्पीड डिस्टेंस टाइम का एक फॉर्मूला होता है कि टाइम टेकन, ओके, टी इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ठीक है, अब ये जो क्वेश्चन है ये हमें दो अलग अलग समय के बारे में बता रहा है। तो कह रहा है कि मैं मान लेता हूँ कि जो ट्रेन की ओरिजिनल स्पीड है, ठीक है, यहां पर मैं लिख रहा हूँ ट्रेन की ओरिजिनल स्पीड है, इसे एक्स मान लेते हैं। ठीक है, ओरिजिनल स्पीड एक्स है। हैड द स्पीड बीन 15 किलोमीटर पर आर मोर। ओके, इसके बाद मान लेते हैं कि इंक्रीज्ड स्पीड है, इंक्रीज्ड स्पीड। अगर ओरिजिनल स्पीड एक्स है और ओरिजिनल से 15 किलोमीटर बढ़ा दी उसने स्पीड, तो इंक्रीज्ड स्पीड क्या होगी, एक्स प्लस 15 हो जाएगी। ठीक है, तो क्वेश्चन कह रहा है कि अगर 15 किलोमीटर पर आवर मैंने स्पीड बढ़ा दी तो जो टाइम है वो 30 मिनट्स कम लगेगा। ठीक है, अब ध्यान दीजिए कि जब ओरिजिनल स्पीड टी, जब ओरिजिनल स्पीड एक्स था तो जो टाइम लगा टी, उसको मैं टी वन बोल देता हूँ, ये लगा टी वन, और जो सेकेंड टाइम पर जब स्पीड बढ़ा दी तो टाइम लगा टी टू। ओके, क्वेश्चन कह रहा है कि भाई ओरिजिनल स्पीड था एक्स और आपने बाद में स्पीड बढ़ा दी 15 किलोमीटर से, तो टाइम लगा टी टू। अब ये कह रहा है कि जो टी टू है वो 30 मिनट्स कम है, क्योंकि जब आपने स्पीड बढ़ा दी है तो आपको जो समय लगा है वो कम है, और वो कितना कम है, वो है 30 मिनट्स कम। तो अब देखिए ये कह रहा है कि टी टू माइनस टी वन जो है, और क्योंकि स्पीड किलोमीटर पर आर में है, मैं इस 30 मिनट्स को आर में कन्वर्ट करूंगा। ठीक है, तो टी टू जो बढ़ा हुआ स्पीड है, एक्चुअली आई एम सॉरी, इस क्वेश्चन को उल्टा करना पड़ेगा मुझे, आई एम सॉरी, यह है टी वन, यानी कि जब स्पीड कम थी तो ज्यादा समय लगेगा, स्पीड कम थी तो ज्यादा समय लगेगा, माइनस टी टू, टी वन माइनस टी टू जो है ये 30 मिनट्स है, और 30 मिनट्स का मतलब होता है आधा घंटा, तो ये हाफ हो जाएगा, क्योंकि सारे यूनिट्स को मुझे आर में लेना है, तो 30 मिनट्स को मैं आर में लूंगा, तो ये टी वन माइनस टी टू आर हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए कि टाइम का फॉर्मूला है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, और डिस्टेंस हमें दिया हुआ है कि दोनों ओकेजन में डिस्टेंस था 90 किलोमीटर। टी वन के समय में स्पीड था एक्स, और टी टू के समय में स्पीड था एक्स प्लस 15। ठीक है, यहां तक ध्यान दीजिएगा। अब एक बार फिर से समझा देता हूं कि जब टाइम लगा टी वन तो स्पीड था एक्स और डिस्टेंस कितना था 90 किलोमीटर। जब टाइम लगा टी टू तब स्पीड हो गया एक्स प्लस 15 और डिस्टेंस कितना था, डिस्टेंस तब भी 90 किलोमीटर ही था। तो टी वन ज्यादा होगा, क्योंकि जब आपकी स्पीड कम है तो आपको समय ज्यादा लगेगा, तो टी वन माइनस टी टू इज इक्वल टू हाफ, विच इज 30 मिनट्स, विच इज गिवन इन द क्वेश्चन, और यहां से इसे हमें सॉल्व करना है। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा कि इस क्वेश्चन में, इस इक्वेशन तक आना ही एक चैलेंज है। बस एक बार आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया और आप इस क्वेश्चन से इस इक्वेशन तक आ गए, ओके, एक बार आप इस क्वेश्चन में इस सिंपल इंग्लिश को इंटरप्रेट करके इस इक्वेशन तक आ गए, उसके बाद का सोल्यूशन बेहद आसान हो जाता है। कुछ भी नहीं करना है आपको, 90 कॉमन लीजिए और इसे थोड़ा सिंप्लीफाई कर लीजिए। ठीक है, तो कुछ भी डिनोमिनेटर में कैंसिल नहीं होगा, तो मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। ये हो जाएगा एक्स प्लस 15 माइनस ऑफ एक्स होल थिंग डिवाइडेड बाय एक्स इंटू एक्स प्लस 15 इज इक्वल टू 1/2। अब ये क्या हो जाएगा, ये एक्स से ये एक्स जो है ये कैंसिल हो जाएगा, और हमारे पास बचेगा 90 इंटू 15
मल्टीप्लाइड बाई ये पूरा जो टर्म है ये हो जाएगा 1 अपॉन x इंटू x प्लस 15 इज इक्वल टू 1/2। और जब मैं इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो ये हो जाएगा 90 इंटू 15 इंटू 2 इज इक्वल टू x² प्लस 15x। ओके, अब ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, अब ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा x² प्लस 15x माइनस ऑफ ये पूरा का पूरा टर्म विच इज 90 इंटू 15 इंटू 2 इक्वल टू 0। अब मेरा काम है कि मैं इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जो है सिंप्लीफाई करूं और इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करूं, और सॉल्व करने पर मुझे जो है एक सॉल्व करने पर मुझे एक इक्वेशन मिलेगा जिससे मुझे इसकी वैल्यू निकल कर आएगी। ठीक है, तो अब एक्स की मुझे दो वैल्यू निकल कर आ सकती है यहाँ से, और क्योंकि ये नंबर बीच वाला पॉजिटिव है और ये नंबर नेगेटिव है तो एक्स की दो वैल्यू निकलेगी, एक पॉजिटिव और नेगेटिव, जिसमें से मुझे पॉजिटिव वैल्यू को ही कंसिडर करना है। ठीक है, अब मेरा एक बहुत मेजर काम है इसे फैक्टराइज करना। ठीक है, इस इतने बड़े नंबर को फैक्टराइज करना थोड़ा चैलेंज हो सकता है, तो एक बार उसे भी देख लेते हैं कि मुझे चाहिए कि 90 इंटू 15 इंटू 2 को ऐसे फैक्टराइज करना है कि मुझे दो नंबर मिले जिनका डिफरेंस 15 हो, जिनका डिफरेंस 15 हो। तो 90 इंटू 15 इंटू 2 हो जा रहा है 45 इंटू 2 इंटू 15 इंटू 2, ये है 60 और ये है 45, और ऐसे ही तोड़ेंगे हम। तो ये हो जाएगा, अब मैं इस इक्वेशन को फैक्टराइज करके लिख रहा हूँ, ये हो जाएगा 60x माइनस ऑफ 45x माइनस ऑफ, ये टर्म को मैं ऐसे रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, 45 इंटू 60। 90 इंटू 15 इंटू 2 को मैंने यहाँ से एक 2 निकाल कर इसमें ऐड कर दिया, तो 2 से इसे डिवाइड करूँगा तो ये 45 हो जाएगा, और 2 से इन दोनों को मल्टीप्लाई करूँगा तो 15 इंटू 2 इंटू 2 60 हो जाएगा, और ये पूरा बराबर है 0 के। यहाँ निकल कर आएगा x कॉमन लेने पर x+60 माइनस ऑफ 45 इंटू x+60 इक्वल टू 0, और ये हो जाएगा x+60 इंटू x-45 इक्वल टू 0। अब x इज इक्वल टू -60 मिलेगा यहाँ से, जिसे हमें इग्नोर करना है। इग्नोर इसलिए करना है क्योंकि ट्रेन की स्पीड नेगेटिव नहीं हो सकती है। ठीक है, x इज इक्वल टू -60 क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सोल्यूशन हो सकता है, पर इस प्रैक्टिकल क्वेश्चन का सोल्यूशन नहीं हो सकता है, इसलिए हमें -60 को इग्नोर करना पड़ेगा, और x इक्वल टू 45 ये हमारा सोल्यूशन है। फाइंड द ओरिजिनल स्पीड ऑफ द ट्रेन, ओरिजिनल स्पीड हमने x माना था, ओरिजिनल स्पीड हमने x माना था, और x हमारा 45 निकल कर आया है, तो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज x इक्वल टू 45। मैं काम के क्वेश्चन इस प्रकार के लाता रहूंगा। आई होप यू फाउंड द सोल्यूशन यूजफुल। डू लाइक, शेयर, कॉमेंट एंड सब्सक्राइब। इन केस यू वॉन्ट मी टू सॉल्व एनी अदर क्वेश्चन फॉर यू, डू पुट डाउन योर क्वेरीज एट द व्हाट्सएप नंबर मेंशनड इन द डिस्क्रिप्शन। टिल देन कीप वर्किंग हार्ड, कीप प्रैक्टिसिंग हार्ड। चीयर्स एंड गॉड ब्लेस।